मोगरा दो। चंदो, वो चंदो। तुझको फूल पसंद है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं फूल कभी नहीं लगाऊंगी। मैं जानता हूँ तुझको फूल पसंद है। ये ले, तेरे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? मेरे लिए? और देख, किसी को बोलना मत। हाँ। गुड। हाय डार्लिंग। आ गए आप? भूल गए क्या शादी पर जाना है? कोई बात नहीं, उनकी शादी पर ना सही, उनके बच्चे के बर्थडे पर जरूर पहुंच जाएंगे। मैं तो वक्त पे आ जाता, वो तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया। मेरी वजह से? तुम्हारे लिए फूल लाने थे ना। एक मिनट में तैयार हो गया। बेचारी चंदो को इस घर में पूछने वाला कोई नहीं है। चंदो, ओ चंदो, बुलाया बीबी जी? हाँ, जरा घूम जा। अरे, तेरे तो फूल लगे हुए हैं। किसने दिए? मालिक ने दिए। वो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए दिए थे, उनमें से थोड़े से लगा लिए। तो ठीक है, अपने भगवान से बोल कि तेरे पति को तुझसे मिलवा दें। और हाँ सुन, हम लोग एक शादी पर जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। नहीं बीबी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे, घर में बैठे रहने से तुझे तेरा पति मिल जाएगा। कहीं आएगी जाएगी तो हो सकता है तुझे तेरा पति नजर आ जाए। नहीं, लोग देखेंगे हंसेंगे, मुझे शर्म आती है। समझ गई, मैं तेरी शर्म को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं तुझे कल ही ब्यूटी पार्लर ले जाऊंगी। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। राधा, I have been to London, Paris, Rome, but I haven't seen this type of hairstyle. It's very strange. It's an Indian village style. Very funny. It's her own hair falls. क्या 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 क्या? क्या बोलिए मटकी? ये पूछ रही हैं, तुम्हारे असली बाल हैं या नकली? अरे जा जा, मेरे अपने बाल हैं। तू क्या मेरे बाल ठीक करेगी? तू तो खुद पर कटी है, मर्दों जैसी शक्ल बनाई हुई, होठों पे लाल रंग पोता हुआ। ना रे बाबा ना, मैं इससे बाल ठीक नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहते चंदू, लीना तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक कर देगी। चलो लीना। ओके। चंदो, थोड़ी देर रुक जाओ। चकाचौंध रह गए ना? ये है हमारा म्यूजिकल टच। चौधरी का चांद हमारे घर में उतर आया है। दबी हुई चिंगारी शोला बन गई है जीरा जी, शोला। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, आज तो मैं अपनी शादी की बात पक्की करके रहूंगा। चंदो, बोलो कैसे हो तुम? अरे, परदेश से आ रहे हो क्या, जो पूछ रहे हो कैसी हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मिली थी। बड़े घोचू हो तुम। घोचू नहीं, घोचू नहीं, मैं दीवाना हूँ, दीवाना। आहा, क्या जुल्फे हैं, क्या खुशबू आ रही है। दूर हटो, पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? आए हाय हाय, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे कि तुम मुझसे पूछो कि क्या चाहिए मुझे। चंदो, मेरे दिन कांटों पर और रातें अंगारों में कट रही हैं। चंदो, अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। चंदो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो, मुझसे शादी कर लो। जीरा जी, आपको तो मालूम है कि मैं कितना बड़ा फनकार हूँ, मेरा भविष्य कितना शानदार है। इसकी तकदीर समझ जाए कि आप इसको समझाओ कि मुझसे शादी कर ले। उसने थप्पड़ मारा, समझ में आया। आपने थप्पड़ मारा, समझ में नहीं आया। चंदो, भगवान ऐसा बुरा दिन किसी औरत को ना दिखाए
कि उसके पति के सामने एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे। कि उसके पति के सामने एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे। एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे। एक पराया मर्द उससे शादी करने को कहे। किशन के दफ्तर वालों ने पता तो यही बताया था। जी, चंदो नाम की लड़की यही रहती है क्या? अरे वो प्रतापगढ़ की रहने वाली है, वहीं उसकी शादी हुई रही, उसका नाम चंदो है। हमारे किशन के साथ ब्याह ही है, उसी का नाम चंदो है। बाबूजी, मैं ही चंदू हूँ। अरे ये काहुलिया बना ली है। चंदो तू इधर घूम तो। तेरी वो जलेबी जैसी चुटिया का क्या हुआ? सीधी हो गई। अरे भीम भाई, भीम देख तो अपनी बिटिया कितनी खूबसूरत हो गई है। अरे श्री गणेश तो बहुत बढ़िया हुआ। आइए आइए, चलो चलो। मैं उठा लूंगी। आइए बाबूजी, घर में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। अरे बाबा, ए भीम, अरे ने 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 बाबा, ये देख कालीन, अरे टेलीफोन, वो सोने चांदी का, और ये तखत बैठने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया, एक दो तीन चार, और ये बिजली का हंडा, जब जलता होगा तो ऐसे लगता होगा जैसे सूरज चमक उठा। ए, हम सपना तो नहीं देख रहे? अरे चंदो, ये हमारे उल्लू के पट्टे कृष्ण का ही घर है ना? हाँ बाबूजी। इतना अच्छा घर बनाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? अबे ये हमारी बेटी का भाग्य है। अबे ओ, ये हमारी बहू के चरणों का प्रताप है। बात तो एक ही हुई। एक ही कैसे हुई, बात दो हुई। अच्छा दो हुई, चल। हाँ अरे चंदो, ये गधे का बच्चा किशन तेरे साथ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबूजी। अरे ये सब ठाक बात देखने के बाद क्या उल्लू बनने का सवाल पूछता है? अरे हमारे दामाद ने हमारी बिटिया को महारानी बना रखा है। अरे बेटा तो मेरा है। अरे तो होगा, चलो बेटिया हमको मकान दिखाओ ऊपर, चलो। हाँ चलो बेटी, आइए। भाई वाह वाह वाह, क्या कमरा है, क्या चीजें हैं, ठंडी की मशीन भी है। वाह बेटा, मान गए। और क्या गुदगुदा पलंग है, हम तो यहीं सोएंगे बस। ये इनके सोने का पलंग है। अबे घनचक्कर, ये बच्चों के सोने का कमरा है। तो चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलो बिटिया। हाँ चलो, आइए। अरे वाह वाह वाह, ये कमरा भी बहुत बड़ा है। क्या कहने क्या कहने, ये मेहमानों का कमरा है, आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं बेटा, खाना पीना बाद में होगा, पहले उस किशन उल्लू के पट्टे को बोल के मुझसे आकर फौरन मिले। मैं तो बताना ही भूल गई, वो तो बम्बई से बाहर गए हैं, लौटने में तीन चार दिन लगेंगे। तीन चार दिन लगेंगे, कोई बात नहीं। हाँ। तब तक हम आराम करेंगे, बम्बई देखेंगे, क्यों भाई रामलाल? हाँ ठीक है, बैठो। आजा बैठो, बैठो बैठ बैठ। अच्छा बाबू, मैं नीचे जाकर आती हूँ। हाँ जा दो, मैं दरवाजा बंद करके जाती हूँ। कर दो कर दो कर दो। हाँ कर दो। ये भीम, अरे ये देखो, मेहमानन के मनोरंजन के वास्ते ये साधन जुटा है बजाय गाय का। अरे ये किसके हैं? पता नहीं दीदी, ये जूते चप्पल किसके हैं? कोई आया है क्या? वो गांव से कुछ लोग आए हैं, उनके घर में शादी है, वो दीपक जी को फिल्म खींचने को लेने आए हैं, मैंने उन्हें दीपक जी के कमरे में बिठा दिया है। अच्छा भैया, आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। सुनो, पिताजी और बाबूजी दोनों आ गए हैं। क्या? हाँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो सोच रहे हैं कि हमारा घर है। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम दो चार दिन के लिए बम्बई से बाहर चले गए हो, तुम लोग उनके सामने मत पड़ना। मैं कुछ भी करके उन्हें सुबह से पहले यहाँ से चलता कर दूंगी। मगर तुम घबराओ मत, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ ना जाओ। दारी 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 दारी। मेरे कमरे में
संगीत चंदो 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 बुगालो ये कहां से टपक पड़े मेरे कमरे में? ए भाई कौन हो तुम लोग? अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मेरी तरफ? माथे पे तिलक, हाथ में बंसरी, बस एक मोर पंख और होता तो पूरे कृष्ण भगवान बन जाते। अरे बोल दे घूने का कौन हो तुम लोग? पहले ये बता तू कौन है बे? बे बे अरे पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो बे? तुम लोग जानते नहीं मैं कौन? चलो चलो फुड़ा रे बात। भीम ये साला कोई गुंडा दिखा था, बहुत तड़क के बात कर रहा है। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। फिर से बोल। कुछ नहीं बोला। फिर से बोल। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, जुबान मेरी फिसल गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं, मेरा नाचने को दिल कर रहा था। और आपकी बांसुरी, वाह वाह कमाल, मैंने ऐसी बांसुरी और आप जैसा ढोलक तो कभी सुना ही नहीं। क्यों बे? बहुत चढ़ा गया है क्या? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा था ना, आपने नहीं पी? आप भी पीजिए, ये लीजिए लीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं गलती से किसी गलत घर में घुसाया, मैं अपने घर चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते। चपड़ गंजू पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे जहाँ से भी आया हो, लौंडा बड़ा भला निकला, बोतल दे गया, रात अच्छी कट जाएगी। सालों ने रात खराब कर दी, अब मुझे मारने को आया। कोई बात नहीं, आज तो मैं यही सो जाता हूँ, कल सुबह देख लूंगा। मेरे कमरे में घुसकर, मेरा तबला बजाकर, मेरी बंसरी बजाकर मुझे बाहर निकाल दिया। भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया है, हाँ? रामलाल तेरे लिए कितनी डाल। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हमने आज तक नहीं पिया, बुढ़ापे में क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करें? अरे ठीक है, नहीं पीता तो मत पी, तू पानी तो डाल। हाँ पानी डाल देते हैं। ये ले। अरे ये तो खत्म हो गया पानी। रामलाल जरा नीचे जाके ठंडी मशीन में से पानी तो ले आ। अरे भाई लाते हैं यार। भोलेनाथ। किशन डार्लिंग, सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज एक काम करोगे? क्या? नीचे जाकर चंदू से कह आओ कि गर्म पानी ले आए, मुझे गोली खानी है। चंदू को इस वक्त उठाना ठीक रहेगा? अरे वो सो कहां रही होगी, वो तो अपने पति की यादों में खोई होगी। लेकिन ठीक है। बेटी, बेटी तेरे पति ने सोने के लिए तुझे ये बिस्तर दिया है? वो आज मुझे बिस्तर पे नहीं सोना है बाबू। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटी, तेरे इस झूठ के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी है? तू कितने सुखी है? इस फोटो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किसन ने हमसे किस जन्म का बैर निकाला है। इन्हें मत कोसो बापू, ये बहुत अच्छे आदमी है। बाबूजी ने इनकी पसंद ना पसंद की बिल्कुल परवाह नहीं की, और मुझ जैसी बदसूरत गंवार को इनके सर मर दिया। पता है मुझसे शादी करने के बाद इनकी जिंदगी नरक बन गई है। बेटी अपने जीते जी मैं तेरी जिंदगी नरक नहीं बनने दूंगा, कल ही मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। हाँ बापू, तुम्हें कहा करते थे कि बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से उसकी अर्थी। मैं यही रहूंगी बेटी। बापू मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाबूजी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो इनके मन की शांति और मेरी खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी। बेटी अपनी इस टीस को तू खुशी कहती है? हाँ बापू, हालांकि उन्होंने राधा बहन से शादी कर ली है, लेकिन इन्हें 24 घंटे मेरा ख्याल रहता है। मेरी आंख में छोटा सा भी तिनका पड़ जाए
तो दुख राधा बहन को होता है। जब ये दोनों मुझे इतना चाहते हैं, मेरी इतनी फिक्र रखते हैं, तो मुझे इससे बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है। बापू, राधा बहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तेरी जिंदा लाश को देखने के बाद भी मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाने को कह रही है बेटी? लिखे को कौन मिटा सकता है बापू, नसीब अपना अपना। आज कम से कम मैं इनके पास तो हूँ, इस घर में शांति तो है। अगर राधा बहन को पता चल गया, इनकी जिंदगी दोबारा हो जाएगी, और अगर बाबूजी को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तुम क्या चाहते हो? विधवा होकर सारी जिंदगी में तुम्हारे घर पर रहूं, या सुहागन बनकर दोनों घरों की लाज बचाए रखूं? बापू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सुबह होने से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बापू, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। बेटी, रोते नहीं बेटी, मेरी बच्ची। भगवान किसी दुश्मन की बेटी की भी ऐसी दुर्दशा न करे। ठीक है बेटी, कल सुबह होने से पहले ही मैं भीम को लेकर यहां से चला जाऊंगा। चलता हूं बेटी, चलता हूं।